नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा बर्फी देवी की बेटी नीलम की जान तो बचा लेती हैं, लेकिन दोस्तों नीलम अपना दर्द बयान करती हुई नजर आने वाली हैं। नीलम अपना दर्द बताएंगी मीत हुड्डा को कि मेरी एक बात बताइए, मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मीत अलावत ने मेरे से शादी की है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई गई थी। मैंने तो पूरे मन के साथ में साथ फेरे लिए थे, लेकिन अब मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से लगातार मीत हुड्डा अपने आप को भी संभाल रही हैं और अपना जो कि डिवोर्स भी कैंसिल कराएंगे, क्योंकि जहाँ पर मीत अलावत उन्हें डिवोर्स देने की फ़िराक में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीका से डिवोर्स हो जाए। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ही आप लोगों ने देखा होगा कि साफ साफ खुले शब्दों में मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि मैं किसी भी तरीका से डिवोर्स नहीं लेने वाली। वहीं पे ही दोस्तों बात की जाए तो फैमिली में से कोई भी बर्फी देवी की बेटी को अपनी घर की बहू स्वीकार नहीं कर रहा है और ना ही वो अपनी घर की बहू मानते हैं नीलम को, क्योंकि परिवार वाले जानते हैं कि इस समय बर्फी देवी अलग अलग चाल खेलेगी और इस घर को बर्बाद करेगी। वहीं पे ही मीत हुड्डा भी ये जानती हैं कि ये जो बर्फी देवी जो इस घर में अपनी बेटी को लाई है वो किसी न किसी प्लान के तहत, लेकिन एक बार फिर से बर्फी देवी भी एक नई चाल खेलेंगी। बर्फी देवी जल्दी ही सभी घर वालों के सामने बताएंगी कि अब ईसा विधवा हो चुकी है, यानी कि उनका बेटा दीप हमारे बीच में नहीं रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरा देखने को मिलेगा, जिसमें मीत हुड्डा और मीत अलावत की दोनों के ही फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली है कि मिस्टर तोड़ूराम जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी जिंदगी में भी। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।